नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ सर्दी खांसी बंद नाक या फिर छाती में जमा हुआ बलगम को निकालने का असरदार घरेलू उपाय। दोस्तों, बलगम जब भी जमा हो जाता है तो नाक से पानी बहने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है या फिर कई बार नाक पूरी तरह से जाम हो जाता है। कुछ मामलों में कफ के कारण बुखार भी आ जाता है। दोस्तों, कफ अगर समय पर न ठीक किया जाए तो छाती में जमा होता चला जाता है और कफ की वजह से वायरस और सूजन रोधी कोशिकाएं बनती है, तो कफ को निकालना या ठीक करना बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इतना सिंपल नुस्खा लेकर के आया हूँ जिसका प्रयोग आपको दिन में दो बार करना है और दो दिन के प्रयोग से ही छाती में जमा हुआ सारा का सारा कफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना होगा ये दोस्तों अदरक को। अदरक में दोस्तों एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एक्सपेक्टोरेंट गुण होता है जो गले में कफ के जमाव या फिर कफ को कम करता है, जिससे सर्दी खांसी में होने वाले छाती से सांस लेने में और छोड़ने में आसानी होती है। तो आपको यहाँ पर एक चम्मच जितना इस अदरक के रस को ले लेनी है। तो सबसे पहले आप अदरक को ले लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद आप किसी कपड़े की सहायता से आप इसके रस को छान लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच जितना अदरक का रस ले लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला चीज इस रेमेडी को बनाने के लिए लेनी है ये दोस्तों शहद। शहद में भी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होता है जो गले को आराम और कफ को ख़त्म करता है। साथ ही साथ इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आप यहाँ पर एक चम्मच जितना इस शहद को भी ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे शहद आपको यहाँ पर प्योर ब्रांड का ही लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा चीज़ लेनी है ये दोस्तों काली मिर्च को। काली मिर्च सर्दी जुखाम होने पर किसी रामबाण दवाई से कम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च की जो तासीर होती है वह गर्म होता है, इसलिए यह सर्दी खांसी को ठीक कर देता है। सर्दी खांसी होने पर काली मिर्च के सेवन से जल्दी फायदा मिलता है। तो आपको यहाँ पर दो चिटकी जितना काली मिर्च को लेकर के इसमें डाल देनी है, यानी कि 7 से 8 काली मिर्च को यदि आप पीसते हैं तो ये 2 चुटकी के बराबर हो जाता है। और फिर आपको इन तीनों को अच्छे से मिला देनी है। जब ये अच्छे से मिल जाए तो आपको इसे दिन में 2 बार चाटनी है। आप इसका प्रयोग सुबह में कर सकते हैं और रात्रि में खाना खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं उस समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप इसे चाटें तो चाटने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। पानी भी पीना चाहते हैं तो आप आधे घंटे के बाद पानी को पी सकते हैं। लगातार 2 दिन करके देखिए आपकी सर्दी खांसी बंद नाक या फिर बलगम की अगर समस्या है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छाती में जमा हुआ सारा का सारा जितना भी बलगम होगा सभी को ठीक कर देगा। तो कैसा लगा हमारा आज का जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हम जल्द मिलते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।